वंदे मातरम। तो दोस्तों यदि आप एसएसबी ट्रेड्समैन 1522 पोस्टों में फिजिकल पास कर लिए हैं तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी लेकर आया हूं। इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यदि आपको एसएसबी ट्रेड्समैन 1522 पोस्टों में सिलेक्शन लेना है, वर्दी लेना है, तो सारी जानकारी हम प्रोवाइड आप लोगों को कराएंगे कि एग्जाम डेट क्या रहने वाला है। आप लोगों का जो लिखित परीक्षा, अब लिखित परीक्षा होगा, समझ गए क्या रहने वाला है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस पोस्ट में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सेप्टेड कट ऑफ हम आप लोगों को बताएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए, और फाइनल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है एक्सेप्टेड बताएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग एसएसबी ट्रेड्समैन 1522 पोस्टों में कुक में, सफाई वाला में, सफाई कर्मचारी में, वाटर कैरियर में, वेटर में या वेटनरी में, किसी भी ट्रेड में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, आप फिजिकल पास कर लिए हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि एसएसबी ट्रेड्समैन का फिजिकल मार्च में खत्म हो रहा है, और जब अभी हम फिजिकल सेंटर पर जाते हैं तो यहां पर लगभग समझिए 500 बच्चा फिजिकल सेंटर पर आते हैं। 500 से ज्यादा स्टूडेंट अभी के डेट में फिजिकल सेंटर पर पहुंच रहे हैं, जहां भी फिजिकल हो रहा है। समझ लीजिए, शुरू में जब फिजिकल चला था तो कम बच्चे आ रहे थे, लेकिन अभी 500 बच्चा फिजिकल सेंटर पर रोज पहुंच रहे हैं, और मार्च में पूरा मार्च इसका फिजिकल है और अप्रैल में फिजिकल नहीं है। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों अभी 10-15 दिन फिजिकल और चलेगा। बता दे कि सबसे ज्यादा यहां पर जो स्टूडेंट है वह कुक में, सफाई वाला में, सफाई कर्मचारी में और वेटनरी में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं। एक नंबर पर यदि कोई भी पोस्ट है जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई किए हैं और फिजिकल पास किए हैं तो वह है कुक। याद रख लीजिए, वह है कुक, इसके बाद सफाई वाला, सफाई कर्मचारी और वेटनरी। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों अब बहुत सारे स्टूडेंट जो फिजिकल पास कर लिए हैं, इस चैनल पर क्लास अपलोड है, वह क्लास देखना शुरू कर दिए हैं, लेकिन एक ही चीज कमेंट करते हैं कि सर एक बार एग्जाम के बारे में बता दीजिए, एग्जाम सिलेबस के बारे में बता दीजिए कि हमारा जो लिखित परीक्षा होगा लेवल क्या होगा, क्या 10वीं लेवल होगा, क्या 12वीं लेवल होगा, और एग्जाम हम लोगों का कब होगा, क्या एग्जाम में निगेटिव मार्क है, क्या नॉमिनेशन भी होगा, कट ऑफ किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि जिस प्रकार से एसएससी जीडी में नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया का कट ऑफ बनता है, इसमें आप लोगों को वैसा कट ऑफ नहीं बनेगा, नॉर्मेशन नहीं होगा और एक ही दिन पेपर होगा एक ही शिफ्टों में। समझ गए, एक ही दिन पेपर होगा एक ही शिफ्टों में, पेपर में निगेटिव मार्क नहीं है। समझ गए, निगेटिव मार्क नहीं है, पेपर आप लोगों का ऑफलाइन होगा। समझ गए, बुकलेट नंबर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आप लोगों को गोल गोल जिस तरह से आप ऑफलाइन एग्जाम देते हैं उस तरह से आप लोगों का एग्जाम होगा। निगेटिव मार्क नहीं है, 100 में से 100 क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन एकदम हल्का पूछा जाएगा, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन, हिंदी से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन। समझ गए, 10वीं लेवल का नोटिफिकेशन में एसएसबी ने बता दिया है कि हम केवल 10वीं लेवल का प्रश्न पूछेंगे। समझ गए दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों इस बुक में आप लोगों को सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी और इंग्लिश, साथ में 100% न्यू सिलेबस पर आधारित बुक, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो कि सबसे बेस्ट बुक है एसएसबी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए चक्षु प्रकाशन की। दोस्तों यदि आप लोग इस बुक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग तैयारी में लग जाइए, जितना भी क्लास है हम इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं। यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है और हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक है नीचे। प्लीज आप लोग हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर हम कुछ जानकारी का ब्लॉग डालते रहते हैं, साथ में टेलीग्राम का लिंक है, आप सब्सक्राइब टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, हम डेली बाय डेली क्लास का पीडीएफ और लिंक शेयर कर देंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर क्लास अपलोड है, जाके आप लोग एसएससीबी का क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि जीके जीएस में पूरा हल्का प्रश्न आएगा, हिंदी में पूरा हल्का प्रश्न आएगा, मैथ में लाभ हानि औसत प्रतिशतता इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे,
तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाली है, यहाँ पर आप लोगों को बता दें ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर लगभग आप लोगों को 65 से 70 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है एसएसबी ट्रेड्समैन 1522 पोस्टों में, समझ गए, 65 से 70 के बीच। एससी एसटी हैं तो आपको 55 से लेकर 65 के बीच कट ऑफ देखने को मिलेगा, 55 से लेकर 65, समझ जाइए 55 से 65 आप लोगों को ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है, समझ गए। और दोस्तों यदि आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाते हैं लिखित परीक्षा में, तब आपको ट्रेड टेस्ट में बुलाया जाएगा, समझ गए। यहाँ पर पहले ट्रेड टेस्ट नहीं है, पहले लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा में जो स्टूडेंट पास होंगे उसको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आप लिखित परीक्षा देंगे तो आपका आंसर किएगा, ऑब्जेक्शन का समय मिलेगा और फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आप लोगों का जो लिखित परीक्षा है वह अप्रैल में आयोजित की जाएगी, हम ऑलरेडी पहले भी बता दिए कि अप्रैल में लास्ट वीक में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों यहां पर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम से कम आपको 75 प्लस स्कोर करना होगा ओबीसी की बात करें तो, समझ गए, और एससी एसटी को 65 से लेकर 70 के बीच स्कोर करना पड़ेगा, समझ लीजिए, समझ गए, तब आपका यहां पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाए, क्योंकि काफी बच्चे हैं इसमें और क्वेश्चन 10वीं लेवल का पूछा जाएगा, समझ लीजिए। फिर मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन 10वीं लेवल का पूछा जाएगा और आप लोगों की एग्जाम ऑफलाइन होगा, निगेटिव मार्क नहीं है। तो दोस्तों अप्रैल में आप लोगों का लिखित परीक्षा है, तैयारी में जुट जाइए, जरा सा भी मिस नहीं कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए और उसके नीचे आपको हमारा ब्लॉग चैनल का लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन कुक में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ये कान खोल के सुन लीजिए, यदि आपका कुक पोस्ट है तो तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी समय अब नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।